गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और बायो मॉलिक्यूल्स में ही आज का टॉपिक है हमारा एंजाइम्स। क्या होते हैं एंजाइम्स, उसको डिस्कस करेंगे। और उनके बीच में और जो कैटलिस्ट हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, उनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। इसमें एक्सेप्शन भी हैं, अभी मैं हम उसकी भी बात करेंगे कि ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। और इनका दूसरा नाम भी है, उसको हम बोल इनको हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिविंग सेल के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर ये जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैटलाइज करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं? ये कैटलाइज करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बायोकेटलिस्ट। सो अदर नेम ऑफ एंजाइम्स आर बायोकेटलिस्ट। बायोकेटलिस्ट क्यों हैं? क्योंकि ये लिविंग सेल्स के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैटलाइज करते हैं, इसलिए इनको हम बायोकेटलिस्ट भी बोलते हैं। अब हमने बात की कि ये ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट हमने बोला है, ऑल नहीं बोला, पर इसमें हमने एक्सेप्शन केस की बात की कि इसमें एक्सेप्शन केस भी है। वो क्या है एक्सेप्शन? यहाँ पर एक्सेप्शन में आपका नाम आता है, एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन में आता है कि कुछ आरएनए ऐसे हैं जो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। वो क्या हैं? फर्स्ट उसमें आता है राइबोजाइम, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आता है राइबोन्यूक्लियस। ये दो हैं जो एक्सेप्शनल केस हैं, जो आरएनए हैं और एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस। तो ये एक्सेप्शनल केस है। अब आता है कि हमने प्रोटीन जो है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमने उसमें उसका अरेंजमेंट देखा था कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और ये बात की थी जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर जो अपने ऊपर ही पूरा का पूरा फोल्डेड होता है, इस तरह से जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर ऐसा है जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करता है। एंजाइम का जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में। टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोटीन, जिसमें क्या होते हैं, अपने ऊपर पूरा ऐसे फोल्ड हो जाती है, क्रिस क्रॉस हो जाती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जैसे ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसमें बहुत सारे इनके ये पॉकेट्स बन जाते हैं। ये पॉकेट्स और सर्विक्स इनको बोलते हैं हम, पॉकेट्स और सर्विक्स। और यही इनकी एक्टिव साइट होती है, यही पॉकेट्स जो होते हैं ये एक्टिव साइट कहलाते हैं, जहाँ पर ये अपने सबस्ट्रेट को, जिसको इसे कन्वर्ट करना है या जोड़ना है या तोड़ना है, जो भी करना है उसके ऊपर एक्ट करना है, वहाँ पर वो सबस्ट्रेट को जोड़ेगा। तो हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, जैसे लॉक एंड की सिस्टम होता है, उस तरह से सारे सबस्ट्रेट सारे एंजाइम के अंदर फिक्स नहीं हो सकते। हर एक का एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट है जहाँ पर वो सबस्ट्रेट जुड़ता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर है जिसमें हमें सारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, और वो इस तरह से फोल्डेड है। अगर हम देखें तो मान लो ये है वो इस तरह से स्ट्रक्चर, और ये उसका एक्टिव साइट है। तो इस एक्टिव साइट के अंदर ये सबस्ट्रेट ऐसे आके लग गया, तो यहाँ पर ये जुड़ गया एक्टिव साइट पर। तो ये एंजाइम अब इस सबस्ट्रेट पे, जिसके ऊपर ये वर्क करता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। और ये हो गया एंजाइम, एंजाइम का टर्शरी फॉर्म। तो ये जो है एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ एक्ट, इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगी। वो प्रोसेस को अभी हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे वो करेगी। तो ये जो पॉकेट्स बनते हैं यही इनकी एक्टिव साइट है जहाँ पर ये सबस्ट्रेट आके जुड़ता है। तो ये लॉक एंड की सिस्टम की तरह से होता है, हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जहाँ पर वो जाके जुड़ता है और उसके एंजाइम जो है उसके ऊपर एक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और जो एंजाइम्स हैं जो हमारे बायो कैटलिस्ट हैं उनमें क्या फ़र्क है, दोनों के अंदर हमारा क्या फ़र्क है। जो एंजाइम्स हैं और हमारे हो गए एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट,
तो दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, एंजाइम्स के अंदर और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के अंदर? पहला, अभी हमने फर्स्ट जो देखा, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, हमने अभी ये देखा कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन और हैव ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अभी हमने देखा था कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या है, ये सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक निकेल, प्लैटिनम, ठीक है, ये जो हैं ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, निकेल है, प्लैटिनम है, ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। यहाँ पर हमने बात की ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन है, यहाँ पर सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक निकेल, प्लैटिनम। दूसरा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, ये सब हमें लिविंग सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, सारे एंजाइम हमारे अंदर प्रेजेंट हैं, लिविंग सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ये लिविंग सेल्स के अंदर देखने को नहीं मिलते, डो नॉट अकर इन लिविंग सेल। तीसरा डिफरेंस क्या हमें देखने को मिलता है, ये जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सबस्ट्रेट है वो उसी एंजाइम के साथ रिएक्ट कर पाएगा, उसी एंजाइम के साथ एक्ट में जुड़ेगा, यहाँ पर पॉकेट में एक्टिव साइट में जाके जो उसके ऊपर एक्ट करता है, तो सबके लिए स्पेसिफिक होते हैं, हर एक उसके लिए स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन को ही ये कैटेलाइज करते हैं, जो स्पेसिफिक रिएक्शन है उसी को ये कैटेलाइज करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि स्टार्च को डाइजेस्ट करना है, तो हमें पता है कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज है, तो एमाइलेज उसको स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, तो सब के लिए एक स्पेसिफिक है। अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो हमारे में पेप्सिन और ट्रिप्सिन का नाम आएगा, तो इस तरह से ये सबके लिए स्पेसिफिक होते हैं, पर ये जो है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, इनऑर्गेनिक कैटालिक ये नॉट स्पेसिफिक, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये खाली इसी के साथ वर्क करेंगे, ये स्पेसिफिक नहीं है। और क्या है इसमें देखने को मिलता है कि ये हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि प्रोटीन है तो हाई टेम्परेचर पर ये डीनेचर हो जाती है, बल्कि ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर पर, एफिशिएंटली वर्क एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर एफिशिएंटली वर्क करते हैं, बल्कि ये डैमेज हो जाते हैं या डीनेचर हो जाते हैं। और हमें देखने को क्या मिलते हैं, ये हाईली एफिशिएंट है एंजाइम और ये लेस एफिशिएंट है, ये उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि कुछ एंजाइम्स हैं जिनको हम आइसोलेट करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो कि हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर नहीं होता, जो हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर नहीं होता, ऐसे एंजाइम्स भी हैं, तो वो कौन से हैं, जैसे एक आप नाम पढ़ोगे अभी, थर्मस एक्वेटिकस, ये एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, जो जिससे एंजाइम को निकाला जाता है जिसका नाम है टैक, यहाँ थर्मस से टी लिया जाता है, यहाँ से ए क्यू लिया जाता है, इसको बोलते हैं टैक पॉलीमरेज, ये हाई टेम्परेचर पर भी ये एंजाइम डीनेचर नहीं होता, ये थर्मल स्टेबिलिटी इनके अंदर होती है, इसका नाम ही है थर्मस एक्वेटिकस, ये हाई टेम्परेचर पर ही, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम को निकाला जाता है जो थर्मल स्टेबल होता है, जो हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर नहीं होता, ये हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर नहीं होते हैं। तो कुछ हैं जिन्होंने अपने आप को थर्मल स्टेबल बनाया हुआ है जो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर नहीं होते, बाकी सारे जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये थर्मल स्टेबल है जो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर नहीं होता, टैक पॉलीमरेज। ये PCR जब आप पढ़ेंगे तो PCR में ये हेल्प करता है कैसे जो है वो हाई टेम्परेचर पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराना है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।